हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, जब भी आप कहीं रोड्स पर चलते हैं, तो आपने कभी कोशिश की है जानने की? हम हमेशा बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए, हम बहुत ज़्यादा पास आ गए, है ना। मैं आज बहुत ज़्यादा दूर तक चली हूँ, है ना, आज मैं सिर्फ बहुत कम डिस्टेंस चली हूँ। तो ये जो चीज़ें हम मेजर करते हैं, ये किस टर्म्स में मेजर करते हैं? ये हम डिस्टेंस के टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज़ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पाथ कवर्ड बाय द पर्सन, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर, ठीक है। नाउ स्टोरी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट, आपको जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको पता है कि बसेस कितना किलोमीटर चलती हैं, आपकी साइकिल कितनी किलोमीटर चलती है, है ना। तो ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी साइकिल, बस, ट्रेन एक्सेट्रा, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, है ना। तो हाँ, चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मोटराइज बोट एंड शिप्स वर यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी द पैसेंजर एंड गुड्स। सो इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th century कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ये सब आम हमारे क्या हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। आपने कभी कोशिश की है कि ये डेस्क कितना लंबा है, इसकी क्या मेजरिंग क्वांटिटी, हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, हम कैसे मेजर करते हैं? हम लेंथ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। बट जब हम ट्रैवल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं कि हम इतने दूर गए हैं, हम इतने पास गए हैं, तो कैसे मेजर करते हैं? हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो ये सब क्वांटिटी है। इन पहली एंड बूजो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट्स। पहली एंड बूजो शेयर वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर डेस्क इज लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। तो पहली और बूजो, यहाँ पर एक कहानी डिस्कस की गई है कि पहली और बूजो दोनों ही लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? बड़ी डेस्क चाहिए। अब वो कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी डेस्क बड़ी है? ऑन टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। उन टीचर सजेशन के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी डिसाइड किया कि वो मेजर करेंगे डेस्क को, उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, डेस्क को दो हाफ्स में डिवाइड किया और मिडल में मार्क किया। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स एंड बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। हेयर ही नाउ ट्राइड टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बूजो है वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है टू मेजर द डिस्टेंस। नाउ द डेस्क सीम्स टू बी Having a length equal to two डंडा। तो आपके जो लेंथ है वो किसके बराबर है? दो डंडे के बराबर है और दो गिल्ली के बराबर है। Now drawing a line in the middle of the desk, it leaves each of them happy with a half of the desk equal to डंडा and गिल्ली। तो इससे क्या हो गया, दोनों के दोनों खुश हो गए और उनको पता चल गया कि दोनों की डेस्क क्या है, बराबर है। After a few days the mark line gets wiped out and Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one, ठीक है। Here is how length of the desk, अब अगर गिल्ली और डंडा खो जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि लेंथ क्या है। Now the length of the desk seems to measure using the gilli danda. Now अब अगर हमारे पास गिल्ली डंडा नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे मेजर, तो चलिए देखते हैं। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क टू पॉइंट्स। तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, आप टू पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इन टू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ।
तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग के हेल्प से हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे स्ट्रिंग के हर पॉइंट को 1/2, 1/4 एंड 1/8 के लेंथ में. नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. तो इससे क्या होगा, दोनों के दोनों एग्जैक्ट लेंथ को पहचान सकते हैं. ठीक है, तो चलिए, यू वुड ऑल्सो यूज दिस एक्टिविटी बाय मेजरिंग द स्केल. तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर पर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो नाउ, सो पीपल यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज बीन ट्राइंग. तो पहले के लोग क्या करते थे, उनको डिस्टेंस अगर नापना होता तो वो कैसे मेजर करते थे, वो इन इन स्केल्स को, स्टैंडर्ड स्केल्स को यूज करते थे. ठीक है, नाउ देयर आर सो मैनी ओकेजन वेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर द डिस्टेंस एंड लेंथ द टेलर या दिस वन. ठीक है, तो हम आज के टाइम पे हम बहुत सारे हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम लेंथ और डिस्टेंस दोनों मेजर कर सकते हैं. नाउ टेलर, आप जब गए होंगे क्लोथ्स बनवाने के लिए कभी टेलर के पास, तो आपने देखा होगा उसके पास भी क्या होता है, एक स्टिच करने के लिए उसके पास भी एक जिसे बोलते हैं द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. तो वो क्या करता है, हमेशा एक लेंथ को मेजर करता है टू नो द टू नो द लेंथ ऑफ द कुर्ता. अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड एंड टू नो हाउ मच वुड. तो कारपेंटर के पास भी हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कबर्ड. तो नाउ द फार्मर नीड्स टू बी इन, फार्मर्स के पास भी होता है. ये सब एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. तो कहने का मतलब ये है, ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन. सबके सारे क्वेश्चन में एक चीज़ क्या है, कॉमन है, और वो चीज़ क्या है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस. अब ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रही हैं. द और हम कह सकते हैं दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रही हैं. द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ. अब वो प्लेस क्या हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू से कन्याकुमारी भी हो सकते हैं, और आप टेबल का भी डिस्टेंस देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सो नाउ देर आर सम एक्टिविटी यू नीड टू डू एट योर होम. दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. नेम, आपको अपना नाम लिखना है, आपको लेंथ लिखनी है क्लासरूम की. आप क्लासरूम नहीं, आप किसी भी मेजरिंग क्वांटिटी, यानी कि आप टेबल यूज़ कर सकते हैं, आप चेयर यूज़ कर सकते हैं, है ना, आप डोर यूज़ कर सकते हैं, आपको इसकी लेंथ और विड्थ दोनों लिखनी है. तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, एक और एक्स्ट्रा बॉक्स बनाएंगे कि आपने किस ऑब्जेक्ट की लेंथ को और विड्थ को मेजर किया है. ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसको घर पर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम यूनिट्स क्या होती हैं और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.